what you reflect and what you love. So, do you love vacations? If yes, then watch this video till the end. Hi everyone, मैं हूँ आपकी होस्ट एंड दोस्त सोनम एंड आ गई हूँ आज एक और एग्जॉटिक लोकेशन में. Yes, I am talking about Omax the Lake, जो कि एक बहुत ही एग्जॉटिक लोकेशन है. एंड इस जगह पर आकर आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आप कहीं घर पर आए या किसी प्रोजेक्ट में आए, आपको वाकई ऐसा लगेगा कि आप किसी रिजॉर्ट में आए किसी वेकेशन के लिए. गाइस, अगर मैं बात करूं ओमैक्स की, तो ओमैक्स की न्यू चंडीगढ़ के अंदर 1300 प्लस एकर्स की टाउनशिप है. एंड अगर मैं ओमैक्स द लेक की बात करूं, तो 25 प्लस एकर्स की लैंड ओमैक्स द लेक के लिए ही डेडिकेटेड है. ये अभी फेज़ वन का तैयार हुआ है जो 25 एकर्स का है, बट ये 25 एकर्स तक ही लिमिटेड नहीं रहेगा, ये एक्सटेंड होगा अप टू 75 एकर्स तक. तो फ्रेंड्स, जैसे कि नाम सजेस्ट करता है, ओमैक्स द लेक एक वाटर बेस्ड कॉन्सेप्ट है. यहाँ पे एक लार्ज कनेक्टिंग वाटर बॉडी आपको मिलती है जो आपको एक लेक का फील देती है. एंड उसके साथ साथ गाइस, एक और बहुत ही फन फैक्ट वाली बात मैं आपको बताऊंगी कि यहाँ पे जितने भी टावर्स हैं उन सब के नाम वर्ल्ड फेमस लेक्स के ऊपर रखा गया है. फ्रेंड्स, ऐसा कहीं जगह लिखा गया है, पढ़ा गया है कि वाटर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट है हमारे अर्थ के लिए. इन वर्ल्ड के 5 एलिमेंट्स में से टॉप एलिमेंट में वाटर आता है, जो बहुत ही पॉजिटिव सूदिंग एंड काम इफेक्ट देता है बॉडी को. यहाँ तक कि अर्थ भी 70% वाटर से कनेक्टेड है एंड 30% लैंड से. तो ये जो आपको रिजॉर्ट है, ये भी उसी हिसाब से है. हमारा द लेक बिल्कुल रिजॉर्ट वाली फील देता है, वाटर के साथ लैंड के साथ आपको एकदम नेचर से अर्थ से कनेक्ट करता है. आप यहाँ पर आएंगे तो आप पानी के साइड में बैठेंगे तो बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव एंड काम फील करने वाले हैं. फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूँ लोकेशन की, तो ये लोकेटेड है मध्य मार्ग एक्सटेंशन पे, जो चंडीगढ़ से बहुत ही ज़्यादा करीब है. अगर मैं बात करूँ PGI पंजाब यूनिवर्सिटी एंड सेक्टर 17 की, तो ये सिर्फ और सिर्फ 10 से 12 मिनट की ड्राइव पर रहने वाले हैं. एंड साथ ही साथ दोस्तों, ये बहुत स्ट्रैटेजिकली लोकलाइज्ड है. अगर स्ट्रैटेजिकली लोकेटेड इन द सेंस कि जो सामने वाली लैंड है इस प्रोजेक्ट की, वो नॉन कंस्ट्रक्शन जोन में रहने वाली है, यानी कि आपको हमेशा ही नेचर का ऐसा ही मज़ा मिलता रहेगा, कोई न्यू कंस्ट्रक्शन आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगी. फ्रेंड्स, अगर मैं एमिनिटीज़ की बात करूँ, तो लिस्ट तो बहुत लंबी है, बट आई विल डेफिनेटली डिस्कस इट विद यू. बट सबसे पहले लेट्स हैव अ लुक एट द फ्लैट्स, कम ऑन. फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपको बताया, 25 एकड़ का लैंड रहने वाला है और 25 एकड़ की ही आपको बेसमेंट पार्किंग मिलने वाली है, यानी कि सारे व्हीकल्स बेसमेंट में पार्क होंगे. बच्चों के लिए बहुत सेफ रहने वाला है ये, क्योंकि यहाँ पर कोई भी व्हीकल्स ऊपर नहीं होंगे, सारे बेसमेंट में ही होने वाले हैं. चलिए आगे बढ़ते हैं. तो फ्रेंड्स, अब हम आ गए हैं इस प्रोजेक्ट के विक्टोरिया 8 टावर में. गाइस, ये वो टावर है जिसका पोजीशन सबसे पहले मिलने वाला है. सिर्फ 2 से 3 महीने के अंदर आपको फैमिलीज मूव ऑन होती हुई दिखाई देंगी. साथ ही साथ जस्ट हैव अ लुक, बहुत ही ग्रैंड एंट्रेंस है, किसी भी 7-स्टार होटल से कम की ग्रैंड एंट्रेंस नहीं है. जस्ट लुक एट द लैविश डोर, यहाँ पे आप ऊपर देख सकते हैं, यहाँ पर ड्रॉप ऑफ पॉइंट है. एंड जस्ट हैव अ लुक, जिस तरीके से यहाँ विक्टोरिया ए लिखा है, इट्स अमेजिंग. चलिए अंदर चलते हैं. आई लाइक वॉट आई सी. बहुत ही लैविश एंट्रेंस है गाइज, आप देख सकते हैं,
जस्ट हैव अ लुक एट दिस शैंडेलियर, बहुत ही खूबसूरत, एलिगेंट एंड रॉयल है, वाकई किसी 5-star होटल की एंट्री से कम नहीं है ये। तो फ्रेंड्स, ये आ गया है आपका रिसेप्शन एरिया एंड यहाँ आ जाता है आपका वेटिंग एरिया जहाँ आप अपने गेस्ट को मिल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं तो मैं आपको बताऊँ कि यहाँ पर इस फ्लोर पर आपको 4 फ्लैट्स मिलेंगे, हर फ्लोर पर 4 फ्लैट्स रहने वाले हैं। मेरे पीछे आप देख सकते हैं 3 लिफ्ट्स हैं, 2 पैसेंजर्स लिफ्ट रहेंगी, 1 सर्विस लिफ्ट रहेगी। तो गाइस, इस स्टार का फ्लैट मैं आपको बाद में दिखाऊंगी, पहले मैं आपको दिखाऊंगी इस प्रोजेक्ट का सबसे बड़ा फ्लैट जो कि 4850 स्क्वायर फीट में आने वाला है। इनफैक्ट मैं कहूंगी कि ये ट्राई सिटी का सबसे बड़ा फ्लैट है। तो चलिए लेट्स हैव अ लुक। तो गाइस, अब हम आगे हैं इस प्रोजेक्ट के सबसे लग्जूरियस स्टार में जहाँ बहुत सारे लग्जूरियस फ्लैट्स आपको मिलेंगे डिफरेंट साइजेस के। एंड यहाँ पर गाइस ये G+18 के कॉन्सेप्ट पे तैयार किया गया है। हम अभी है ड्रॉपिंग पॉइंट पे, यहाँ से अंदर चलते हैं हमारे फ्लैट की तरफ। उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पे हर टावर के नीचे एक रिसेप्शन रहेगा एंड एक गार्ड रहेंगे। चलिए आगे चलते हैं। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि बहुत ही डिसेंट एंड बहुत ही प्यारी सी लॉबी है ये, एलिगेंसी। यहाँ पर हमारे गार्ड रहेंगे, इधर की साइड हमारा वेटिंग एरिया रहेगा जहाँ आप अपने गेस्ट को मीट एंड ग्रीट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ आ जाते हैं हमारे 2 एलिवेटर्स एंड आगे चलते हैं हमारे फ्लैट। तो गाइस, फ्लैट के बारे में आपको बताना चाहूँगी, ये फ्लैट रहेगा 4+1 BHK प्लस हमारा स्टोर एंड पूजा भी साथ में रहेगा। उसके अलावा मैं आपको बता दूँ, इस फ्लैट का साइज रहेगा 4850 स्क्वायर फीट। एक और अमेजिंग बात गाइस, ये ट्राई सिटी का सबसे बड़ा फ्लैट है, इस साइज में अभी तक फ्लैट्स नहीं आए हैं। उसके अलावा मैं बोलना चाहूँगी कि ये बहुत ही ज़्यादा लग्जूरियस है। तो चलिए चेकआउट करते हैं। ये है हमारा 8 feet का वुडन डोर विद नॉर्मल लॉकिंग की सिस्टम एंड ए डोर आए। चलिए, वाओ। सो गाइस, तो फर्स्ट इम्प्रेशन रहने वाला है वाओ। फॉर एरिया में आते ही आप देख सकते हैं बहुत ही बड़ा फॉर एरिया है, आप अपने हिसाब से इसे बहुत ब्यूटीफुली डेकोरेट कर सकते हैं। आगे आते ही हम आ जाते हैं हमारे लिविंग रूम में। आप देख सकते हैं कि कितनी प्रीमियम विट्रीफाइड टाइलिंग से इन्होंने इस पर वर्क किया है, बहुत ही सुंदर लग रहा है। आपको यहाँ पे AC की डक्टिंग प्रोवाइडेड रहने वाली है एंड वेंटिलेशन के लिए आप देख सकते हैं एंड लाइट के लिए बहुत ही बड़ी आपको ये ग्लास डोर दिया गया है, ये विंडोज प्रोवाइड की गई है। इससे लाइटिंग बहुत ही ज़्यादा अच्छी रहती है, चाहे आप लाइट ना भी ऑन करें तो भी यहाँ पे बहुत ही अमेजिंग नेचुरल लाइटिंग रहेगी। आप देख सकते हैं बहुत ही मिनिमलिस्टिक ह्यूमन इन्होंने वाइट पेंट किया है जो बहुत ट्रेंड में है, आप इसको अपने हिसाब से कैसे भी डेकोरेट कर सकते हैं। तो चलिए अब एक नज़र डालते हैं बालकनी की तरफ। तो गाइस, ये आपकी बालकनी रहेगी एंड ये बहुत ही बड़ी है, नॉर्मल साइज़ की बालकनी से वाकई बहुत बड़ी। आप इसको बहुत ही अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं, यहाँ पे टेबल चेयर लगा सकते हैं, बीन बैग लगा सकते हैं, कोई झूला लगा सकते हैं, इट विल बी अमेजिंग। एंड यहाँ पर भी आप आराम से ग्रीन एरिया का मज़ा ले सकते हैं, जस्ट यू नो ब्रीज फ्रेश एयर, थोड़ी चिड़ियों की चहचहाट सुन सकते हैं, चिड़ियों को उड़ते हुए देख सकते हैं, जो बहुत ही सुंदर लग रहा है। इट्स एन अमेजिंग व्यू फ्रॉम हियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं, लेट्स एक्सप्लोर दिस ब्यूटीफुल फ्लैट फर्दर। तो आगे हम आ जाते हैं, यहाँ पे आ जाता है हमारा डाइनिंग एरिया। आप देख सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा स्पेस है, इसको देख के मैं वाकई कह सकती हूँ कि ट्राई सिटी का लार्जेस्ट फ्लैट है, बहुत ही बड़ा है, बहुत ही ज़्यादा स्पेशियस है। आप यहाँ पे 10-seater की आराम से डाइनिंग लगा सकते हैं, इनफैक्ट उससे भी ज़्यादा। एंड जस्ट लुक एट द वे दे हैव डेकोरेटेड इट, जस्ट लुक एट दिस ब्यूटीफुल शैंडलियर, बहुत ही सुंदर लग रहा है। एंड साथ ही साथ आप इसको और भी एलिगेंट बना सकते हैं विद दिस, जैसे इन्होंने बनाया है विद फॉल सीलिंग विद एम्बिएंट लाइटिंग्स, एंड यहाँ पर भी आपको AC की डक्टिंग मिलेगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं किचन की तरफ, बट उससे पहले एक नज़र यहाँ पर भी आपकी, मैंने जैसे ही कहा था कि नेचुरल लाइटिंग रहेगी, तो यहाँ पर भी आपको बहुत ही बड़ी सी ग्लास डोर प्रोवाइड किया गया है जो आपकी बालकनी की तरफ जाएगा एंड वो भी बहुत ही ज़्यादा नेचुरल लाइटिंग प्रोवाइड करेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो गाइस, जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ, हम आ गए हार्ट ऑफ द होम, किचन में। आपको पता है किचन कितना इंपॉर्टेंट पार्ट होता है हाउस होल्डर्स का। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत ही एलिगेंट किचन है जिससे आप बहुत अमेजिंग तरीके से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट में बनाई गई है। जस्ट हैव अ लुक, मार्बल टॉप आपको दिया गया है, कम्प्लीटली मॉड्यूलर है एंड जस्ट लुक विद द हाइड्रोलिक क्लोजर। तो बहुत सॉफ्ट क्लोजर के साथ ये रहने वाला है एंड यहाँ पर आपका फ्रिज का स्पेस आ जाएगा, ये अलग से इन्होंने रैक्स प्रोवाइड किए ताकि आप बहुत ऑर्गेनाइज तरीके से अपना सामान रख सके। डुअल सिंक आपको प्रोवाइड की गई है विद रोटेटिंग फॉसेट एंड यहाँ पर आराम से
बहुत सारे लोग इनफैक्ट चेयर लगा के बैठ के खा भी सकते हैं इफ दे वांट टू, किचन में ही एंजॉय करना है तो बहुत ही अमेजिंग टाइम स्पेंड हो सकता है। सो फ्रेंड्स, हम आगे हमारी बालकनी में जो अटैच्ड है आपके किचन से एंड आपके डाइनिंग स्पेस से, आप देख सकते हैं ये बालकनी भी बहुत ही ज़्यादा स्पेशियस है, साथ ही साथ ही अटैच रहने वाली है आपके सर्वेंट रूम से। जस्ट हैव अ लुक, ये रहेगा आपका सर्वेंट रूम एंड इसकी एंट्री बाहर से भी होगी, मैं आपको दिखाती हूँ। तो आप देख सकते हैं इसकी एंट्री बाहर से भी रहेगी एंड ये भी काफी ज्यादा स्पेशियस है फॉर अ सर्वेंट रूम। इसके साथ भी आपको एक अटैच्ड वॉशरूम मिलेगा, ये आपका अटैच्ड वॉशरूम है, काफी डिसेंट साइज का अटैच्ड वॉशरूम है। यहाँ पे आपको एंटीस के टाइल्स, फुल लेंथ वॉल टाइल्स, ब्रांडेड फिक्स्चर्स एंड आपको वेंटिलेशन के लिए विंडो भी प्रोवाइड की जा रही है। सो गाइस, लेट्स एक्सप्लोर दिस ब्यूटीफुल फ्लैट अ लिटिल मोर। तो यहाँ पर मैं आ गई हूँ दोबारा से हमारे डाइनिंग एरिया की तरफ एंड यहाँ पर मेरे लेफ्ट हैंड साइड पर आपको दिखेंगे दो रूम्स, एक कॉमन वॉशरूम एंड हमारा स्टोर रूम एंड हम मेरे राइट साइड पर आ जाते हैं दो रूम्स एंड पूजा घर। तो पहले हम एक्सप्लोर करते हैं मेरी लेफ्ट साइड, तो यहाँ पर आ जाता है सबसे पहले आपका कॉमन वॉशरूम। लेट्स हैव अ लुक। प्राइवेसी मेंटेन करने के लिए जिन गेस्ट को आप बेडरूम में नहीं लाना चाहते वो यही वॉशरूम आप यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी आपको ब्रांडेड फिक्स्चर्स मिल रहे हैं, फुल लेंथ वॉल टाइल्स मिल रही है, एंटी स्किड टाइल्स है एंड वेंटिलेशन के लिए विंडो भी है। चलिए अब चलते हैं हमारे फर्स्ट बेडरूम की तरफ। सो फ्रेंड्स, ये है हमारा फर्स्ट बेडरूम एंड लुक एट द स्पेस, बहुत ही अमेजिंग स्पेस है। विट्रीफाइड फ्लोरिंग प्रोवाइड की गई है, एसी की डक्टिंग प्रोवाइड की है, नेचुरल लाइटिंग के लिए अमेजिंग से विंडो प्रोवाइड की गई है जहाँ पे आप ग्रीन एरिया को, नेचर को एंजॉय कर सकते हैं एंड जस्ट हैव अ लुक। बहुत ही ज़्यादा स्पेशियस है, यहाँ पे आप आराम से अपना किंग साइज बेड लगा सकते हैं तब भी काफ़ी मूवेबल स्पेस हो जाएगी। इस रूम को आप डेफिनेटली अपना गेस्ट रूम बनाइए मेरे एडवाइस के हिसाब से, बट आप कुछ और भी बना सकते हैं बिकॉज गेस्ट रूम के हिसाब से आपकी प्राइवेसी बहुत मेंटेन रहेगी। बट आगे बढ़ते हैं तो यहाँ आ जाता है आपका वॉशरूम। जस्ट हैव अ लुक इस वॉशरूम में, आप टाइल वर्क देखिए, बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी का टाइल वर्क है, बहुत ही यूनिक डिजाइनिंग है। फुल लेंथ आपको वॉल टाइल्स मिल रही है, एंटी स्किड टाइल्स आपको फ्लोर पर मिल रही है, ब्रांडेड फिक्स्चर्स है, गीजर का प्रोविजन है, वेंटिलेशन है एंड एक अमेजिंग सा डिजाइनर ये वैनिटी बनाई है इन्होंने, बहुत ही यूनिक एंड बहुत ही प्यारी लग रही है। तो गाइज चलिए आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ आ जाता है हमारा स्टोर रूम। लेट्स हैव अ लुक एंड काफ़ी स्पेशियस है, काफ़ी डिसेंट स्पेस है, आप काफ़ी कुछ यहाँ रख सकते हैं, काफ़ी कुछ स्टोर कर सकते हैं, आपके एक्स्ट्रा लगेजेस हो गए, एक्स्ट्रा वार्डरोब्स हो गई, वो आप यहाँ पे लगा सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा स्पेशियस एंड डिसेंट कलर में इसको बनाया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं टूवर्ड्स आर सेकेंड बेडरूम। सो गाइस, दिस इज आर सेकेंड बेडरूम एंड आप देख सकते हैं नेचुरल लाइटिंग ही बहुत ज़्यादा है, बहुत ही बड़ा ग्लास डोर आपको प्रोवाइड किया गया है विद बालकनी टू एंजॉय द नेचर एंड द नेचुरल लाइटिंग। एसी की डक्टिंग आपको प्रोवाइड की गई है, सॉकेट्स आपके लिए लगाए गए हैं, आप इधर अपना बेड लगा सकते हैं ताकि इट इज़ कन्वीनियंट फॉर यू। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको विट्रीफाइड टाइलिंग प्रोवाइड की गई है इस रूम में भी, बाकी रूम्स की तरह एंड हियर वी हैव अटैच्ड वॉशरूम। ओह माय गॉड, द स्पेस इज ह्यूज, आप देख सकते हैं काफ़ी स्पेशियस वॉशरूम है ये। जस्ट हैव अ लुक, बहुत ही अमेजिंग है, टाइल वर्क बहुत ही अमेजिंग है, बहुत ही यूनिक कलर में है एंड आप देखेंगे सभी बाथरूम के जो टाइल वर्क है बहुत ही डिफरेंट डिजाइन एंड डिफरेंट कलर्स में, विच इज़ अगेन अ वेरी पॉजिटिव थिंग अबाउट दिस फ्लैट। यहाँ पर आप देखेंगे वैनिटी बहुत ही बड़ी से आपको प्रोवाइड की गई है, यहाँ पे बहुत ही यूनिक डिज़ाइन का सिंक है, ब्रांडेड फिक्स्चर्स अगेन, आपको वेंटिलेशन के लिए विंडो प्रोवाइड की गई है, फुल लेंथ वॉल टाइल्स है एंड एंटी स्किड टाइल्स। तो दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं लेफ्ट साइड एक्सप्लोर करने के बाद, नाउ लेट्स एक्सप्लोर द राइट साइड जहाँ पर आपका पूजा घर एंड टू बेडरूम्स आ जाते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं गाइस, यहाँ पर आ जाता है हमारा पूजा घर। अपने घर की डिविनिटी को मेंटेन करने के लिए हर घर में पूजा घर नेसेसिटी होती है एक, तो यहाँ पे पूजा घर बनाया गया है बट आप इसे अपने हिसाब से यूटिलाइज कर सकते हैं। आप देख सकते हैं बहुत ही डिसेंट स्पेस है एंड इन्होंने इसको डेकोरेट किया है विद दिस फॉल सीलिंग एंड एम्बिएंट लाइटिंग्स, आप अपने हिसाब से इसे कैसे भी कस्टमाइज करा सकते हैं, डेकोरेट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे थर्ड बेडरूम की तरफ, कम ऑन। वाओ, तो गाइस हम आ गए हमारे थर्ड बेडरूम में एंड आप देख सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस है
एंड बाकी स्पेस के मामले में ये फ्लैट लाजवाब है, आई मस्ट से। यहाँ पर भी आप अपना किंग साइज बेड लगा सकते हैं, यहाँ पे आप सिटिंग चेयर लगा सकते हैं, सोफा लगा सकते हैं, एक छोटा सा काउच लगा सकते हैं। एंड आप देख सकते हैं कि आपको बहुत बड़ी विंडो प्रोवाइडेड है नेचुरल लाइटिंग के लिए, साथ ही साथ एक बालकनी भी है। और ये वही बालकनी है जो आपके डाइनिंग एरिया एंड आपके किचन से कनेक्टेड है। यहाँ पर भी आपको एसी की डक्टिंग प्रोवाइडेड है, सॉकेट्स प्रोवाइडेड है। एंड आप देख सकते हैं बहुत ही मिनिमलिस्टिक व्यू में व्हाइट पेंट किया है इन्होंने यहाँ पे। आप इसे अपने हिसाब से चेंज करवा सकते हैं बाद में, कोई पेंटिंग लगा सकते हैं टू डेकोरेट इट ऑल द मोर। एंड यहाँ पर आपकी आ जाता है वॉशरूम, एंड यहाँ पे वॉकिंग क्लोजेट भी बना सकते हैं आप, दिस इज अप टू यू। आप चाहे तो यहाँ पे एक वार्डरोब तैयार करवा सकते हैं। एंड हियर इज आवर वॉशरूम। सो दिस इज आवर वॉशरूम, काफी डिसेंट स्पेस है, एक डिसेंट सी वैनिटी आपको दी गई है, ब्रांडेड फिक्स्चर्स आपको सारे लगाए गए हैं यहाँ पे। आप देख सकते हैं फुल लेंथ वॉल टाइल्स है एंड एंटीस्किड टाइल्स है यहाँ पे, वेंटिलेशन के लिए विंडोज भी है एंड गीजर का प्रोविजन भी। तो चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं घर के मास्टरपीस की तरफ, दैट इज द मास्टर बेडरूम। कम ऑन। सो गाइस एंटर कर गए हैं मास्टर बेडरूम में एंड आप देख सकते हैं कि मास्टरपीस है घर का वाकई। आप देख सकते हैं वुडन फ्लोरिंग आपको प्रोवाइड की जा रही है, एसी की डक्टिंग आपको प्रोवाइड की जा रही है, आपको बहुत ही अमेजिंग सा वाइट न्यू में पेंट दिया जा रहा है जिसको आप बहुत ही खूबसूरत तरीके से डेकोरेट कर सकते हैं। एक बहुत ही बड़े से ग्लास डोर प्रोवाइडेड है फॉर नेचुरल लाइटिंग एंड साथ ही साथ यहाँ पे आपको बालकनी प्रोवाइड की जा रही है जो कि कनेक्ट करेगी आपके सेकेंड बेडरूम के साथ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आपको वार्डरोब भी मिल रही है, आप देख सकते हैं कि आपको वार्डरोब प्रोवाइड की जा रही है एंड बहुत ही ज़्यादा स्पेशियस है, बहुत ही ऑर्गेनाइज तरीके से आप यहाँ कपड़े हैंग कर सकते हैं, यहाँ तय लगा के रख सकते हैं, कैन कीप योर बिलोंगिंग्स हियर। तो बहुत ही अमेजिंग सी वार्डरोब आपको प्रोवाइड की जा रही है एंड वो भी फुल लेंथ, आप ऊपर भी सामान रख सकते हैं अपना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ आ जाता है हमारा वॉशरूम। कम ऑन। वाओ। सो गाइस हैव अ लुक, मास्टर बेडरूम का वॉशरूम है तो स्पेशियस होना तो बनता है। तो स्पेस के मामले में वाकई कहूँगी लाजवाब है, बहुत ही अमेजिंग स्पेस यहाँ पे बनाई गई है। यहाँ पे एक शार एरिया तैयार किया गया है, यहाँ पे वैनिटी है, आपको फुल लेंथ वॉल टाइल्स दी जा रही है, गीजर का प्रोविजन है, साथ ही साथ एंटीस्किड टाइल्स है एंड ये स्पेस आपको प्रोवाइड किया गया है। आप चाहे तो यहाँ एक छोटा सा टब भी लगा सकते हैं। सो फ्रेंड्स अभी आपने देखा इसाबेला टावर का 4850 स्क्वायर फीट का ट्राई सिटी का सबसे बड़ा फ्लैट। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था तीन एलिवेटर्स रहेंगे एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं दो दो फ्लैट्स हैं। तो जो लेक फेसिंग फ्लैट रहेंगे वो 1580 स्क्वायर फीट के ऑप्शन में रहेंगे एंड जो नॉन लेक फेसिंग अपार्टमेंट्स रहेंगे वो 1530 स्क्वायर फीट के ऑप्शन में रहेंगे। तो चलिए आप हमारा 1580 स्क्वायर फीट का ऑप्शन चेकआउट करते हैं। तो सबसे पहले आप ये देख सकते हैं कि वुडन डोर आपको मिलेगा विद नॉर्मल की सिस्टम। चलिए आगे चलते हैं। तो गाइस एंटर करते ही आ जाता है आपका फर्स्ट बेडरूम। तो आप इस बेडरूम को आप देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा स्पेशियस है, इस बेडरूम को आप गेस्ट बेडरूम बना सकते हैं। नेचुरल लाइटिंग के लिए आपको ग्लास डोर प्रोवाइड किया गया है विद बालकनी। आगे चेकआउट करते हैं तो यहाँ पर आ जाता है आपका वॉक इन क्लोजेट। आप ये बहुत ही अमेजिंग स्पेस प्रोवाइड की गई है, आप यहाँ पे क्लोजेट लगा सकते हैं, मिरर लगा सकते हैं। आगे आ जाता है वॉशरूम, यहाँ फिटिंग होनी बाकी है बट यहाँ पे आपको ब्रांडेड फिटिंग्स दी जाएंगी। फुल लेंथ वॉल टाइल्स है, एंटीस्किड टाइल्स है एंड वेंटिलेशन के लिए विंडो भी है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था ये 1580 स्क्वायर फीट का ऑप्शन रहने वाला है लेक फेसिंग। तो चलिए लेट्स हैव अ लुक हियर। तो यहाँ आ जाती है आपकी बालकनी, आप देख सकते हैं पूरा लेक व्यू यहाँ पर आपको मिल रहा है।
तो बहुत ही अमेजिंग ब्रीज एंड आप चिड़ियों की चहचहाट सुन सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, ये आपकी बालकनी कनेक्टेड रहेगी आपके लिविंग रूम से। सो लेट्स हैव अ लुक। सो आ गए हम हमारे लिविंग रूम में एंड ये भी काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस है। आपके यहाँ पे आपकी सोफ़ा काउचेस सब कुछ आ जाएगा और यहाँ पे आपकी डाइनिंग स्पेस भी बन जाएगी। चलिए आगे चलते हैं। तो यहाँ आ जाता है हमारा किचन, द हार्ट ऑफ द होम, जिसे मैं हमेशा कहती हूँ। एंड जस्ट हैव अ लुक, काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस है, कम्प्लीटली मॉड्यूलर है विद हाइड्रोलिक प्रेशर। एंड आगे आपको वेंटिलेशन के लिए विंडो प्रोवाइड की जा रही है। तो चलिए आगे चलते हैं। एंड यहाँ आ जाता है हमारा कॉमन वॉशरूम, जस्ट हैव अ लुक, काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस है। यहाँ पर भी आपको एंटी स्किड टाइल्स मिलेंगी, ब्रांडेड फिटिंग्स मिलेंगी जो अभी होनी बाकी है, आपको फुल लेंथ वॉल टाइल्स मिलेंगी एंड वेंटिलेशन के लिए विंडो भी। चलिए नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स आवर सेकंड बेडरूम। सो ये है हमारा सेकंड बेडरूम, ये भी काफ़ी स्पेस है। यहाँ पर आप यहाँ पे अपनी वार्डरोब तैयार करवा सकते हैं, यहाँ पे LED पैनल लगवा सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस है ये भी। वेंटिलेशन के लिए, नेचुरल लाइटिंग के लिए विंडोज़ आपको प्रोवाइड की जा रही है यहाँ पे। चलिए आगे चलते हैं। तो यहाँ आ जाता है हमारा मास्टर बेडरूम, घर का मास्टर पीस, जहाँ पर आपको वार्डरोब्स प्रोवाइडेड है। काफ़ी ऑर्गेनाइज तरीके से इसको बनाया गया है, आप यहाँ पे ऑर्गेनाइज तरीके से अपना सामान रख सकते हैं सारा। आपको वुडन फ्लोरिंग दी जा रही है एंड नेचुरल लाइटिंग के लिए आपको UPVC सेक्शन डोर प्रोवाइड किया जा रहा है विद अ बालकनी। जैसे कि पहले भी बताया था, लेक फेसिंग है तो लेक व्यू तो आप अपने बेडरूम से इंजॉय करेंगे ही हर सुबह, जो बहुत ही सुंदर रहने वाला है। जस्ट हैव अ लुक। यहाँ पे अपना वॉशिंग एरिया तैयार करा सकते हैं। तो यहाँ पर आप अपना बेड लगा सकते हैं, किंग साइज बेड, काफी ज्यादा स्पेशियस है रूम। एंड यहाँ आ जाता है आपका वॉशरूम, सो वॉशरूम भी काफी डिसेंट साइज में है, आप देख सकते हैं। फिटिंग्स अभी होनी बाकी है बट ब्रांडेड फिटिंग्स आपको मिलने वाली है। फुल लेंथ वॉल टाइल्स है एंड एंटी स्किड टाइल्स है एंड वेंटिलेशन के लिए विंडो भी है। तो फ्रेंड्स ये देखा आपने 1580 स्क्वायर फीट का लेक फेसिंग फ्लैट जो कि विक्टोरिया टावर में है। तो आगे गाइस मैं आपको बताना चाहूँगी कि यहाँ का पोजेशन बहुत ही जल्दी शुरू होने वाला है एंड अगले 2-3 महीनों में आपको यहाँ फैमिलीज मूव ऑन होते हुए भी दिखेंगी। एंड चलिए साथ साथ अब आगे बढ़ते हैं, लेट्स एक्सप्लोर फर्दर, कम ऑन। सो फ्रेंड्स अब हम आ गए हमारे कैस्पियन टावर के पास, जहाँ पर मैं आपको 1885 स्क्वायर फीट का आपको फ्लैट दिखाने वाली हूँ। उससे पहले हम चेकआउट करेंगे, ये कमर्शियल मार्केट है, आप देख सकते हैं काम बहुत ही ज़ोरों शोरों से चल रहा है, बहुत ही जल्दी ये मार्केट बनके तैयार हो जाएगी। हाईवे फेसिंग ये मार्केट रहने वाली है एंड साथ ही साथ बहुत ही अमेजिंग पॉइंट ये है कि आपकी सारी बेसिक डेली नीड्स की पूर्ति आपकी यहाँ से होगी, सारी रिक्वायरमेंट आपकी यहाँ से पूरी हो जाएगी। चलिए आगे चलते हैं। सो गाइज अब मैं आ गई हूँ कैस्पियन टावर की रिसेप्शन पे एंड आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सोफेज लगे हैं, तो यहाँ पर आप अपने गेस्ट को मीट एंड ग्रीट कर सकते हैं। मेरे पीछे 3 लिफ्ट्स है जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड आज जो हम आपको यहाँ पे फ्लैट दिखाएंगे वो है 1850 स्क्वायर फीट का 3 BHK विथ पूजा रूम। तो चलिए लेट्स हैव अ ग्लिम्स।
आपको 1885 स्क्वायर फीट का फ्लैट होपफुली आपको पसंद आया होगा। तो चलिए आप आगे बढ़ते हैं। सो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि मैं आपसे एमिनिटीज जरूर डिस्कस करूंगी, तो वो टाइम आ चुका है। फाइनली आई एम हियर टू डिस्कस द एमिनिटीज ऑफ दिस लाविश प्रोजेक्ट। तो जितना लाविश ये प्रोजेक्ट है, उतना लाविश ही यहाँ का लाइफस्टाइल है। आपका कंफर्ट के लिए हर चीज का ध्यान रखा गया है। बहुत अमेजिंग एमिनिटीज है। अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे हम देख सकते हैं बच्चों के लिए किड्स पूल है, बच्चों का खास ध्यान रखा गया है। यहाँ पे किड्स पूल के साथ साथ उसमें वाटर स्लाइड्स लगाई गई है। बच्चों के लिए एक किड्स एरिया अलग है जहाँ पे वो खेल सकते हैं, ताकि आप लोग थोड़ा टेंशन फ्री रह के अपने बच्चों को यहाँ छोड़ सके। उनके लिए एब्सोल्युटली सेफ है। आगे जैसे कि हमने बताया था कि यहाँ पे मैक्सिमम यहाँ पे ग्रीन ओपन एरिया को डेडिकेट की गई है स्पेस, तो यहाँ पे बहुत सारे थीम गार्डन्स है, जैसे कि गार्डन ऑफ ईडन, हर्बल गार्डन्स, फ्लावर गार्डन एंड बहुत सारे गार्डन्स तैयार किए गए हैं जो आप एंजॉय कर सके। एंड उसके अलावा साथ ही साथ गाइस, अगर हम आगे बात करें तो यहाँ मैं पूल की बात करना चाहूँगी। पूल आप देख सकते हैं, यहाँ पे ओलंपिक साइज पूल आपको दिया जा रहा है, जहाँ पर आप अपने समर वेकेशन के साथ साथ विंटर्स भी एंजॉय कर सकते हैं, क्योंकि ये ऑल वेदर पूल रहने वाला है। तो यू कैन ऑलवेज एंजॉय दिस पूल। सेट आउट्स यहाँ प्रोवाइड किए गए हैं, बहुत अमेजिंग गजीबोज आप देख सकते हैं, बहुत ही अमेजिंग है। एंड ये गजीबोज बिल्कुल गोवा वाली फील दे रहा है। बिल्कुल यहाँ पे बैठ के रेस्ट कर सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं, पीसफुल वेदर का मजा ले सकते हैं। आगे हम बात करेंगे तो यहाँ पर आपको क्लब हाउस मिलता है, जो 52,000 स्क्वायर फीट का क्लब हाउस रहेगा, जहाँ पे इनडोर आउटडोर गेम्स, बैंक्वेट हॉल, लॉन, सब कुछ अवेलेबल होगा, जो भी आपके कंफर्टेबल लाइफस्टाइल के लिए जरूरी है। फाइन डाइन रेस्टोरेंट से लेके बैंक्वेट हॉल से लेके रीडिंग रूम हो गया, कार्ड रूम हो गया, एवरीथिंग इज हियर। उसके अलावा अगर मैं आउटडोर गेम्स की बात करूं तो बैडमिंटन एंड बास्केटबॉल कोर्ट यहां पे प्रोवाइडेड है। तो गाइस, आपका बहुत अच्छा टाइम पास हो सकता है, बिल्कुल बोर नहीं होने वाला है, यहां पे एकदम लाविश लाइफस्टाइल आपको मिलने वाला है। तो गाइस, अगर आप फिटनेस फ्रीक है, अगर आपको हेल्थ का बहुत ध्यान रहता है, देन दिस प्रोजेक्ट इज फॉर यू, बिकॉज यहाँ पर आपको ओपन जिम तो मिल ही रहा है, उसके अलावा साथ साथ यहाँ पे योगा एंड मेडिटेशन के लिए भी एक डेडिकेटेड एरियाज प्रोवाइड किए गए हैं। जैसे कि कहा जाता है कि वाटर एंड ग्रीन प्लांट्स आपके हेल्थ को, आपकी बॉडी को बहुत सूदिंग इफेक्ट देते हैं, तो वही यहाँ पर होने वाला है अगर आप इस प्रोजेक्ट में रिजाइड करते हैं तो। उसके अलावा गाइज, मैं आपको बताना चाहूँगी कि सीनियर सिटीजन का भी यहाँ ख्याल रखा गया है। कई सारे सीनियर सिटीजन सिटआउट्स बनाए गए हैं, आपको ड्रॉप ऑफ फंड्स दिए गए हैं, ताकि उनके कंफर्ट में ज़रा भी कॉम्प्रोमाइज ना करना पड़े। फ्रेंड्स, ओमैक्स द लेक ट्राई सिटी के टॉप प्रोजेक्ट्स में से एक है, इसीलिए आपने ओमैक्स द लेक की वीडियो बहुत जगह देखी होगी, इनफैक्ट हमारे चैनल में भी देखी होगी। बट आज मैं आपको ओमैक्स द लेक की सारी इन्फॉर्मेशन डिटेल में बताने वाली हूँ, और उसमें हम साइजेस की बात ना करें ऐसा हो ही नहीं सकता। तो आज मैं आपको बताऊँगी कि हमारे ओमैक्स द लेक में कौन से टावर्स हैं और उनमें कौन से साइजेस के फ्लैट्स अवेलेबल है। फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करेंगे मिस्टिक ए एंड बी की, जो G+22 के कॉन्सेप्ट से बनाया गया है, एंड मिस्टिक सी भी है, जो G+24 के कॉन्सेप्ट से बनाया गया है। अब बात करते हैं विक्टोरिया टावर्स की। विक्टोरिया टावर ए एंड बी है G+22 के कॉन्सेप्ट में, एंड विक्टोरिया सी है G+24 के कॉन्सेप्ट में। तो फ्रेंड्स, विक्टोरिया टावर में आपको 3 BHK एंड पेंट हाउसेज मिलेंगे। अगर मैं 3 BHK की बात करूं तो दो ऑप्शंस है, 1530 स्क्वायर फीट एंड 1580 स्क्वायर फीट। एंड अगर मैं पेंट हाउस की बात करूं तो 3110 स्क्वायर फीट का आपको ऑप्शन अवेलेबल हो जाएगा। फ्रेंड्स, अब बात करेंगे कैस्पियन टावर्स की। कैस्पियन टावर्स में सबसे पहले टावर ए एंड टावर बी की बात करेंगे तो उसमें आ जाते हैं आपके 3 BHK के ऑप्शंस, जो कि अवेलेबल होंगे 1885 स्क्वायर फीट में एंड 1820 स्क्वायर फीट में। एंड अगर मैं पेंट हाउसेस की बात करूं जो वहां पे अवेलेबल है, तो उसका साइज होगा 3700 स्क्वायर फीट। फ्रेंड्स, कैस्पियन टावर के अंदर ही आ जाते हैं डी, ई एंड एफ टावर्स, जिसमें आ जाते हैं आपके G+24 के कॉन्सेप्ट में बनाई गई टावर्स है ये। अगर मैं इनके साइजेस की बात करूं 3 BHK फ्लैट्स की, तो इनके साइजेस रहने वाले हैं 1850 स्क्वायर फीट, 1920 स्क्वायर फीट। एंड अगर मैं पेंट हाउस की बात करूं तो उसका साइज रहेगा 3770 स्क्वायर फीट।
अब हम बात करेंगे एमरोल टावर्स की। अगर मैं एमरोल टावर्स की बात करूं तो इसे G+18 के कॉन्सेप्ट से तैयार किया गया है। यहाँ पर आपको 3 BHK एंड 4 BHK के ऑप्शंस मिल जाते हैं। 3 BHK प्लस सर्वेंट रूम का जो साइज रहने वाला है वो होगा 2300 square feet। 2300 square feet के साइज में ही आपको 4 bedroom विद वॉशरूम मिल जाएगा। एंड अगर मैं पेंट हाउसेज के दोबारा साइजेस की बात करूं तो एक तो आपको 4,450 square feet का ऑप्शन रहेगा एंड दूसरा रहेगा 5,300 square feet का ऑप्शन। तो गाइज अब बात करते हैं इस प्रोजेक्ट के लार्जेस्ट फ्लैट्स की। जी हाँ, जो कि लोके जो है इसाबेला टावर में। इसाबेला टावर में G+18 के कॉन्सेप्ट से उसको तैयार किया गया है। एंड अगर मैं फ्लैट्स की बात करूँ तो एक फ्लोर पर दो ही फ्लैट्स रहेंगे एंड उनके साइजेस रहेंगे 4,850 square feet। एंड अगर मैं पेंट हाउस की बात करूँ तो पेंट हाउस अवेलेबल होगा आपको 9,400 square feet। सो गाइज, आज मैंने आपको दी है ओमैक्स द लेक की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन विद साइजेस एंड ऑल द फ्लैट्स। कैसी लगी आपको ये वीडियो मुझे कमेंट में जरूर बताएं। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल फॉर मोर अमेजिंग वीडियोस। दिस इज एंकर सोनम साइनिंग ऑफ। आई विल सी यू विद द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।